गाइस एज यू कैन सी लीन की क्लास चल रही है और लीन नीचे टेक्स्ट बुक से रेफरेंस भी ले रही है आंसर करने के लिए, है ना शो ऑफ कर रही है कि टॉपर हूँ टॉपर। मॉन्स्टर नहीं वो क्या है, प्रोटोजोआ है। गाइस अगर आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताएं। हम क्लास 8 की ऑनलाइन क्लास रख रहे हैं, डीपीएस का कोर्स पढ़ाया जाएगा रोज, हम लाइव आएंगे, सुपर चैट लेंगे, हम आपसे फीस भारी भारी नहीं लेंगे। भैया आपको पता है पापा ना एक दिन बता रहे थे कि जब बड़े ताऊ जी के बार क्लास में वो उनके टीचर आए, चप्पल निकाली, आज हम ये पढ़ेंगे। ताऊ जी डर के बाप रे, उन्होंने कहा कि ये इस टाइप का एक बैक्टीरिया प्रोटोजोआ होता है, उसका नाम पैरामीशियम है, उसकी स्लिपर जैसी शेप है। अच्छा, चप्पल जैसी शेप। फिर उन्होंने ताऊ जी ने आके सबको बताया कि आज पता है ये पढ़ा है, हमने चप्पल पढ़ी। कहाँ है पैरामीशियम दिखाओ। अच्छा हाँ, इसकी चप्पल जैसी शेप है। गाता रहे मेरा दिल तो ही मेरी मंजिल। अरे बाप रे, बहुत भारी है, बहुत भारी है। मैं भी आ रही हूँ। मैं कोई करना चाहती। अभी तो कह रही थी कि बाहर जाओ बाहर जाओ। चटा कटा फटा लटा। सो ये है हमारा पतंजलि का ऑर्डर। अगर पतंजलि में ऐसी जो चीजें मिलती है जो हमारे मजे की हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े बूढ़ों की दवाइयां एंड ऑल दैट हेल्दी आइटम्स है ना, अब पतंजलि से मंगाना है तो भाई ऐसा कुछ मंगाओ जो यूजुअली पतंजलि से आप ना मंगाते। लहसुन छील दो। लहसुन छील दो क्या? ये लहसुन छीलने का प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर तो गर्म पानी में डाल लो तो फटाफट छील जाते। कितने छीलने? सारे? ओ आज आप राजमा चावल बना रही हो। सो गाइस लहसुन छीलना इज फेयरली सिंपल। मुझे बताया गया कि गर्म पानी, मम्मी चाहती है कि मैं कुछ काम करूं इसीलिए मेरे लिए नो गर्म पानी, डायरेक्टली छीलिंग। इजी नहीं है लहसुन छीलना। लहसुन ओपी इन द चैट एवरीबॉडी। वन लहसुन इज डन। सो गाइस दिस वॉज द लहसुन ऑन लहसुन छीलिंग। मम्मी सच में गर्म पानी लेके आ गई। पापा हमने पतंजलि से सामान मंगाया, सामान अच्छा ही होगा ना, पतंजलि का है, अप्रूव करोगे ना? हाँ हाँ वैसे ही कुछ, बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा तो इनको गर्म पानी में ऐसे डाल दिया, वैसे डाल दिया तो क्या इनके छिलके लूज हो जाते हैं? एकदम अलग अलग। अच्छा तो मम्मी ये लहसुन यानी गार्लिक के फायदे क्या क्या होते हैं वैसे? सबसे अच्छा तो हार्ट के लिए। अच्छा, जिनको बीपी की शिकायत है, हार्ट ब्लॉकेज तक खुल जाते हैं। ये तो गरीबों को बोलते हैं ना, लहसुन गरीबों की दवा है। अरे सभी तो, नींबू भी गरीबों का है, लहसुन भी गरीबों का है। हाँ। तो अमीर बेचारे क्या खाए? तो हलवा। अमीर ने ज्यादा खा लिया है इसलिए तो उनको अकल नहीं है, तो वो दवाइयों पर रहते हैं। अच्छा, बेसिकली अपनी डाइट अच्छी रखो, गार्लिक को इंक्लूड करो। है हाँ, गार्लिक है, हल्दी है। लीन तुम्हारा लहसुन हो गया? कितनी देर बची? 10 मिनट। बेचारे अनबॉक्सिंग के वीडियो के लिए आए थे, बेचारे लहसुन का ट्यूटोरियल लेके जा रहे। मुझे पता ही आप लोग कर दोगे, लेकिन अगर अभी तक नहीं किया है तो अपने मम्मी पापा को ये वीडियो दिखाओ और उनसे भी सब्जी छीलने की टिप लो थोड़ी सी, अगर कुछ हमारे साथ भी शेयर कर सको। अब सभी लोग घर में है तो इसी तरह से चलाना है काम, और क्या करें। उसको नाम ही शायद कोरोना इसलिए दिया है बिकॉज उसका क्राउन शेप है, तो इसीलिए हाँ उसको बोल रहे हैं। तो ये मतलब हो सकता है ये आपने पार्टी उसके जो अंदर का मटेरियल हो वो वैसा दिख रहा हो। हाँ, पर जो भी है डेंजरस है, चाहे क्राउन हो चाहे कोहिनूर हो। प्रकृति का आशीर्वाद, पतंजलि आयुर्वेद, हरिद्वार से हर द्वार ऑनलाइन। वाह वाह वाह, अरे बाप रे 3.5 kg। ये देखो, ये पढ़ो, जोर से पढ़ना। FMCG प्रोडक्ट, आयुर्वेद मेडिसिन। ठीक है, भिंडी काट रही हूँ, बिल्कुल ही चिपका दिया, बिल ही फाड़ रहा हूँ मैं। रुको रुको रुको, अच्छा रुको यहीं रखो। हाँ, ये हमने सही चीज बनाई थी। ये देखो हमने क्या मंगाया पतंजलि से, हम लोग कितने अच्छे हैं। बिना मैं भगवान की चीजें नहीं खाती। अच्छा, और मैं सोच भी रही थी। थैंक यू, चलिए थैंक यू। तुम्हारे लिए कॉर्नफ्लेक्स
ठीक ठाक है, जरूरत की चीज है. दिस इज लाइक छोटू लेवल जंक फूड, नॉट टू मच. है ये तो फ्रूटी है ना. लेकिन इसमें क्या लिखा है? आंवला अमृत. हे भगवान. अब मिड लेवल जंक फूड, अ नाइस जंक फूड. अरे बाप रे, ये मूंग दाल है, ये भी मिड लेवल जंक फूड है, ये हाई लेवल जंक फूड नहीं है. बिकॉज ये दालें हैं और दालों में होती है प्रोटीन, लेग्यूम्स बेसिकली, दे आर नाइट्रोजनस प्लांट्स. इसमें लिखा है नमकीन, लेकिन इसके ऊपर लिखा है दाल. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नेक्स्ट वी हैव मैंगो पन्ना. बेसिकली रूह अफ़ज़ा इन कच्चा मैंगो से. अगर कच्चा मैंगो एक ड्रिंक हो, ये जो देख रहे हैं इसमें 70% चीनी ही चीनी है. एंड मैंने यहाँ पर सिर्फ एक, मैंने एक और शरबत मंगाया, ये मैं ट्राई करना चाहूंगा. ये है ब्राह्मी शरबत. या इसमें स्ट्रॉबेरी पतंजलि के, इसमें वो लकड़ी होती है ना. समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? So guys, this is soya stick. हमको soya sticks मिले 50% extra. क्या है? इतना ज़्यादा हवा भरी है. Next we have is, oh, क्या? Peri peri sticks. Oh, peri peri chips. Peri peri chips. Peri peri chips में है black pepper. Black pepper is really good for our metabolism and it's said to be a natural ingredient from India. समझ रहे हो? अगर किसी को भी ना किसी गंदी चीज की अच्छी तारीफें करवानी हो तो उन्हें बुलाएं. आप पता है, मैं मम्मी को बुलाने का मन कर रहा है. कुछ भी, कुछ भी. तुम अपनी क्लास करो. क्लास. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव सोया कटोरी. एंड सबसे महान बात है कि गाइस 50% एक्स्ट्रा, 50% एक्स्ट्रा एंड 50% एक्स्ट्रा. 50% एक्स्ट्रा हवा भरी गई है इसमें. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. या फिर आप सोया कटोरी में अपनी सब्जी डाल के फिर रोटी के साथ. ऑडियंस बेचारे को ब्रश क्यों कर रहे हो? सह लेंगे थोड़ा सा. अरे सो गाइस, जोक्स अपार्ट, दिस इज प्रॉपर जंक फूड. जो कि ये ऐसे डब्बे में पैक होके, ये जो कि डब्बे में पैक होके जाएगा मेरे पेट में. नहीं, मेरे अलमारी के सबसे नीचे वाली शेल्फ. नहीं 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 नहीं, मुझे पता नहीं है कि तुम ये कॉमेडी के लिए कर रहे हो, ड्रामा के लिए कर रहे हो, पर सीरियस. मैं सीरियस ही, मैं भी मजाक नहीं कर रहा. मम्मी देख रही, मम्मी देख रही. नहीं देख रही. या हटो. मम्मी देख रही. प्लीज प्लीज प्लीज. मुझे पेरी पेरी और नहीं नहीं, मैं उसकी जगह तुम्हें कुछ वो अरेंज करवाता हूँ. तुम मूंग दाल चना दाल दोनों तुम्हारे. नहीं, मुझे पेरी पेरी. खोलो नहीं, खोलो नहीं. नहीं मारा, मैं नाखून कटे हुए. मैं झूठ नहीं बोला, मैं नाखून कटे हुए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. वी विल सी यू सो इन द नेक्स्ट वीडियो. लाइक एंड सब्सक्राइब. बोलो बोलो लाइक एंड सब्सक्राइब. पहले देखो रुको, मैं हम लोग फिर से लड़ेंगे, एक्चुअल में लड़ेंगे. तुम पहले ऐसे अच्छे से बैठ के लाइक एंड सब्सक्राइब बोलो. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. अरे पर नहीं, रुको रुको. नहीं मेरा नहीं. नहीं नहीं, सुन लो. वही पापा उनकी आदत है, कुछ अपने छुपा रहते हैं. सदियों तक कुछ नहीं मिलता है. ये हमारी एक सीक्रेट वर्ल्ड है. तुम्हारा भी हिस्सा होगा जब तुम्हें मन करे. तो मैं खाली पैकेट चाटने आ जाऊँ. नहीं, ये हमारा सीक्रेट वर्ल्ड है, इसमें हमने रख दिया. मुझे खाली पैकेट नहीं मिलना चाहिए. आई विल डू माई बेस्ट अबाउट इट. मैं वरना नहीं रख रही वर्ल्ड. मम्मी को बता दूंगी मैं. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. मम्मी को बताऊंगी. हाँ मम्मी को बता दूंगी. लेकिन लेके जाते, लेकिन फिर तुम्हें भी नहीं मिलेगा. सोचो इस बारे में. अब मैं लीन को हर एक आइटम के लिए ब्लैकमेल करूंगा उससे कुछ. अब मैं लीन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि लीन ने इतने ब्लॉग बनाने में मेरा सपोर्ट किया. थैंक यू सो मच. क्या बोल रहे थे?